G20 विश्वर शक्तिशाली राष्ट्र समूह सर्वोच्च मंच जो राष्ट्र दखल में विश्व जीडीपी 85% अंश आज से ही राष्ट्र गोष्ठी नेतृत्व भारत सम्मानजनक G20 सभापतित्व करुछि भारत आ विश्व महाशक्ति देखिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में नूतन भारत यहाँ आम स्वतंत्र उपस्थापना G20 जनभागीदारी को स्वागत करुछि मुसक्ति G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। G20 का नेतृत्व नवा पर सारा विश्व होउछि भारत जय जयकार। भारत जो नुआ इतिहास रचिछि सेथिरे जोड़ी होइछि आम ओडिसार एक गौरवमय अध्याय। प्रथम थर पर ओडिसा माटी रे आयोजित होइछि G20 परी विश्व महामंचर एजुकेशन वर्किंग ग्रुप बैठक। केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का निष्ठापर प्रयास जो गौरवर अधिकारी हो पारी आम राज्य ओडिसा। आम राज्य ओडिसार युवक मान रोजगार स्वरोजगार फ्यूचर आस्पिरेशन पूरा करने ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा करने ये वर्कशॉप सहायक हम। एप्रिल यही दिन गठन होता स्वतंत्र उत्कल प्रदेश आई उत्कल दिवस ही शुभारंभ होता उत्कल माटी रे G20 जनभागीदारी। सारा राज्यर 35 सरकारी और घरोई शिक्षानुष्ठान प्रत्यक्ष भाव में जोड़ी होते G20 जनभागीदारी कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिता माध्यम छात्र छात्री को G20 आयोजन उद्देश्य संपर्क में सचेतन करा जाए। गणदौड़ साइक्लोथन चित्रांकन नृत्य संगीत क्रीड़ा आदि माध्यम विद्यार्थी मध्य G20 सह सेमानंकु जोड़ीबार होइथिला न्यारा प्रयास। सारा ओडिसारु प्राय 1,00,000 विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षयित्री जोड़ी होइथिले G20 जनभागीदारी रे। फील वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट सो दैट वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग आवरसेल्व्स आल्सो एज वेल एज वी कैन पास ऑन द मैसेज टू अदर्स सो दैट दे कैन आल्सो प्लांट ट्रीज एंड हेल्प द ग्रो द नेचर वेरी G20 के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानने को मिला। पहली बात तो वो एक प्रीमियर फोरम है इकोनॉमिक मैटर्स को डिस्कस करने के लिए और उसके बाद डिजिटल इंडिया को वो और भी थोड़ा डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम हुआ है। G20 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जैसे कि बहुत सारे स्किल्स भी सीखने को मिलता है। G20 का प्रेसिडेंसी भारत को मिला है और इसके बारे में जनता को जानने और जागरूक करने की ज़रूरत है और इस जागरूकता के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो आज हम यहाँ सफाई अभियान में लगे हैं। इसके माध्यम से G20 क्या है और हम क्यों इम्पोर्टेंट फील कर रहे हैं इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप कार्यक्रम दिन पाखे आसवास ओडिशा रे एने माहौल बनवा आरंभ हो जाए। राज्य सारा विभिन्न शिक्षानुष्ठान गुड़िक प्रत्येक दिन किसी ना कि प्राक प्रस्तुति कार्यक्रम चली था। यह भितर छात्र छात्री सबुठ कौतूहलपूर्ण कार्यक्रम था मक G20 अर्थात प्रत्येक शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री गोटे गोटे देशर प्रतिनिधित्व करुले आसुला G20 बैठक। एथिरे शिक्षा स्वास्थ्य जलवायु कोविड परवर्ती स्थिति ऑनलाइन बैंकिंग आदि वैश्विक प्रसंग उपर छात्र छात्री मध्य होतापर्यपूर्ण आलोचना।
G20 मीटिंग मु सहित आसचि कि आमको टेक्नोलॉजिकल एरियाज रे किंबा कि क्लाइमेट चेंज एरिया रे माने आमको जाना पड़छि कि गवर्नमेंट कोन चाहूची आ सेही आइडिया रु आमे स्टूडेंट्स को आडू जाई पारि G20 का ये जो मॉक यहां पे हो रहा है मैं एटलीस्ट अपने साइड से बोल सकता हूँ कि ये अभी तक का बेस्ट डिप्लोमेटिक इवेंट है, मॉक डिप्लोमेटिक इवेंट है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। एंड इवन इसके रिसर्च वगैरह करने के मामले में भी मेरे को दूसरे कंट्रीज वगैरह के बारे में सीखने में, अपने कंट्री के बारे में भी सीखने में और मेरे कंट्री के कितने अचीवमेंट्स हुए हैं इस फील्ड में जो मैं जानता नहीं था अभी तक, उन सब चीज़ों के बारे में सीखने में मेरे को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। शेषरे आसीथिला सही बहु प्रतीक्षित दिन April 23 ओडिशा रे सृष्टि होइथिला नुआ इतिहास। भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित यह विश्वस्तरीय G20 फ्यूचर ऑफ वर्क प्रदर्शनी को उद्घाटन करथिले केंद्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। भारतीय युवशक्ति को विस्तर परिवर्तन सह ताला दे चलिबा को आह्वान देथिले केंद्र शिक्षा मंत्री आ कहिथिले आमको डिग्री नुहे कंपिटेंसी उपरे अधिक गुरुत्व देबाकु पड़िबो। आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन द ग्रेट सिविलाइजेशनल प्लेस ऑफ ओडिशा एंड राइटली वी आर डिस्कसिंग ए वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, हाउ द जॉब्स विल बी क्रिएटेड, हाउ द इंटरेस्ट ऑफ यंगस्टर्स ऑफ द एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी विल बी थॉट अपॉन इन सच ए इंपोर्टेंट प्लेस ऑन द साइड लाइन ऑफ G20। G20 वर्किंग ग्रुप कार्यक्रम मुख्य आकर्षण थिला भविष्यतर कार्य संपर्कित प्रदर्शन। April 23 to 28 जाए 5 दिन धरी भविष्यतर उन्नत ज्ञानकौशल संपर्कित प्राय 100 मॉडल प्रदर्शित होता G20 वर्किंग ग्रुप एक्जिबिशन में, जो थे शिक्षा स्वास्थ्य हस्तंत ओडिया भास्कर्य कला संस्कृति संपर्कित विभिन्न मॉडल स्थान पाई। एथिसह ड्रोन टेक्नोलोजी ठू आरंभ करी रोबोटिक टेक्नोलोजी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संपर्कित अनेक चमत्कृत मॉडल प्रदर्शित होता एक्जिबिशन रे। प्रदर्शनी उद्घाटन पर लगिता विभिन्न मॉडल गुड़ी को बुली देखी केन्द्र शिक्षामंत्री। सिंगापुर ढांचारे पाठ पढ़े भारतीय छात्र छात्री, स्कूल शिक्षा जोड़ी हेब दक्षता विकास। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप कार्यक्रम तृतीय दिन में आयोजित भारत सिंगापुर मिलित कर्मशाला यह थिला बड़ उपलब्धि। जातीय शिक्षानीति आधार रे देशर युववर्ग को भविष्यत पाई प्रस्तुत करने दक्षता परिसंस्थान रूपांतरण करने दिगरे भारत और सिंगापुर मध्यरे होइथिला आलोचना। धंदामूलक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम दक्षता विकास को जोड़ी भविष्यत मानव संबल तैयारी पाई आह्वान देथिले केन्द्र शिक्षामंत्री। सिंगापुर और भारत मिसिकी ना केवल निजर आवश्यकता को पूर्ण करेंगे, स्कूल पाठ्यक्रम सिंगापुर को भाया स्किलिंग को ताको आडप्ट करा जीवो, AICT भाया संस्था द्वारा परिचालित इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक पिला माने किमती स्किलिंग इकोसिस्टम रे अप्रेंटिसशिप अधिका जोड़ी हे तार योजना करा जीवो, और वर्तमान काम करतो वर्कफोर्स को कौ भाव निरंतर रिस्किलिंग अपस्किलिंग करा जीवो ता उपरे भी आलोचना करा जीवो। अतिथि देवो भव भारतीय परंपरार एक अनन्य अंग ओडिशारे मिलिथिबा आतिथ्यता विदेशरु आसीथिबा G20 राष्ट्रर प्रतिनिधिंकु करिथिला मंत्रमुग्ध। IIMT परिसररे हेउ बा कोणार्क गस्त अवसररे संपूर्ण ओडिया शैलीरे होइथिला अतिथिमानंकर स्वागत सत्कार। ओडिया पारंपरिक वाद्य नृत्य ओ संगीतर मधुर धुन मध्यरे पाछुटी अणा जाइथिला अतिथिंकु। पारंपरिक ओडिया खाद्य और पानीय सेमानंकर मनजणी थिला आ विश्व प्रसिद्ध कोणार्कर जीवंत कारुकार्य विदेशी प्रतिनिधि को करिथिला सम्मोहित। I feel amazing. I feel very excited. It's very nice that you still can keep this in some way that people can see this real heritage and so I'm really glad to be here. Nothing more really. My feeling is really, really warm. The hospitality of the government of India and this beautiful state of Odisha, I feel very warm, very welcomed, and I feel in awe of this amazing temple. April 1 Swatantra Utkala Pradesh Gathana Dina Odisha Re Subharambha Hoithila G20 Janabhagidari Ra Karyakram. आउ सही स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर अन्यतम प्रमुख बिंधाणी उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर
जयंती दिन शेष होता ओडिशार G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप रो कार्यक्रम प्रथम थर पर सफलतार आयोजन कर गौरवान्वित ओडिशा माटी रे G20 वर्किंग ग्रुप नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति भविष्यतर शिक्षा और दक्षता विकास उन्नत ज्ञानकौशल सृष्टि करिछि नुआ माइल खुंट एथिसह ओडिशार युवपीढ़ी मध्य भविष्यतर उन्नत विश्व निर्माण में भागीदारी बनवा नहीं भरीदेगी अभूतपूर्व प्रेरणा और उत्साह ओडिशा माटी रु सारा विश्व को जाइछि वसुधैव कुटुंबकम आमर ए स्वतंत्र उपस्थापना को यही रखुचु नमस्कार।